नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। राज्य में 873 सड़कें, 1956 बिजली ट्रांसफार्मर ठप। किन्नौर के सांगला में बाढ़। किन्नौर जिले के सांगला बाजार में आई बाढ़, व्यापक नुकसान। भारी बारिश से किन्नौर जिले के सांगला बाजार में बुधवार दोपहर बड़ी मात्रा में मलबा आ गया। इससे व्यापक नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि भारी बारिश से अचानक बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं और ऊपर की तरफ से बड़ी मात्रा मलबा सांगला बाजार में पहुंच गया। कई गाड़ियां भी मलबे में दब गई। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति व संचार सेवाएं ठप होने से लोग एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे। आपदा में फंसे पर्यटकों के लिए लंगर लगाया गया है। भूस्खलन व बाढ़ के चलते आपदा में फंसे पर्यटकों के लिए जिला प्रशासन बिलासपुर ने बलोह में लंगर लगाया है। हाईवे से सफर करने वाले पर्यटकों को खाना फल वितरित किए जा रहे हैं। इस दौरान घुमारवी के विधायक राजेश धर्माणी ने भी पर्यटकों को फल और पानी बांटा। 1369 जलापूर्ति योजनाएं प्रभावित। राज्य में 1369 जलापूर्ति योजनाएं भी प्रभावित चल रही है। शिमला में सबसे ज्यादा 373, मंडी 258, सोलन 317, किन्नौर 101 और हमीरपुर जिले में 118 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित है। इससे कई इलाकों में पेयजल संकट पैदा हो गया है। शिमला शहर में 6 दिन बाद भी लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। योजनाओं में लगातार गाद आने से आपूर्ति ठप है। नोगली में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हाईवे से सतलुज नदी में गिरी कार, 2 महिलाओं सहित 4 लोग लापता। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में रामपुर के समीप नोगली में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए नेशनल हाईवे 5 पर अनियंत्रित होकर एक कार सतलुज नदी में जा गिरी। कार में सवार 4 लोग नदी में लापता बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम करीब 4 बजे भूस्खलन के चलते हाईवे का करीब 30 मीटर हिस्सा धस गया था। इसके बाद रात करीब 10 बजे दत्तनगर से रामपुर की ओर जा रही कार हाईवे की धसी हुई जगह पर अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। हादसे के समय कार में मेहर सिंह पुत्र ईश्वरदास, शीतल पत्नी मेहर सिंह, राजीव पुत्र लायकराम, सुंदरा देवी पत्नी लायकराम सवार थे। सभी लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से तलाशी अभियान चलाया गया है। सतलुज नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा होने के कारण टीम को तलाशी अभियान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। श्रीरेणुका जी में मलबे की चपेट में आने से महिला की मौत। 5 दिनों में लगातार बारिश के चलते हो रहा भूस्खलन। जिला सिरमौर में पिछले 5 दिनों से जारी लगातार बारिश के चलते मंगलवार दोपहर बाद को श्रीरेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के डूंगी गांव में मलबे के नीचे आने से महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय महिला निर्मला देवी उर्फ गुड्डी घर के समीप बने शौचालय के बाहर नल से हाथ धो रही थी। इसी दौरान पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गई। घायल महिला को संगड़ा अस्पताल लाया गया। यहां से गंभीर हालत के चलते उसे डॉक्टर वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर किया गया। मगर शाम को नाहन पहुंचने से पहले ही जमटा के पास महिला ने दम तोड़ दिया। निर्मला अपने पीछे पति व 4 बच्चे छोड़ गई है। कुल्लू मुख्यालय में विद्युत आपूर्ति बहाल। वाम तट मार्ग पर रात भर जाम में फंसे रहे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश का दौर भले ही थम गया हो लेकिन दुश्वारियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। सड़क के सैलाब में बह गई है तो मुश्किलें बेहिसाब। घर से बाहर तक जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन और मकान ढहने की कई घटनाओं में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बुधवार को मनाली से कुल्लू छोटे वाहनों के लिए सड़क खोल दी गई है। वाहनों को वाया लेफ्ट बैंक होते हुए अरछंडी, अरछंडी से रायसन, फिर राइट बैंक होती हुई कुल्लू भेजा जा रहा है।